project of Al Jaleel Developer. निजी दफातर में 50% मुलाजमीन की हिदायत पर अमल नहीं हो रहा, पॉलिसी पर अमल ना करने वाले दफातर सील कर देंगे। एस ओ पी की खिलाफ वर्जी पर दुकान सील कर देंगे। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी, तालीमी इदारे बंद करने में एक आध दिन लग सकता है। आज इफ्तार के बाद से आउटडोर डाइनिंग बंद कर देंगे। किसान जितना मजबूत होगा मईशत उतनी मजबूत होगी, हम जदीद ज़राअत की जानिब बढ़ रहे हैं। मुल्तान में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब, वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब, कहा फसलों की कीमतें गिरने पर भी किसान कार्ड के जरिए उनकी मदद करेंगे, किसान कार्ड के जरिए किसानों को कर्जे मिलेंगे। गाजी साहब मेहरबानी फरमाएं, नशस्त पर बैठ जाएं। लगता है पंजाबी जबान में कहना पड़ेगा। जस्टिस मंजूर मलिक के जस्टिस फायज की मुदाखलत पर रिमार्क्स, नजरेसानी केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। जस्टिस उमर अताबंदियाल ने रिमार्क्स दिए, आधे घंटे में फैसला भी सुना सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि फैसला कब सुनाना है। काजी साहब मेहरबानी फरमाएं, नशिस्त पर बैठ जाएं। लगता है कि पंजाबी ज़ुबान में कहना पड़ेगा। जस्टिस मंजूर मलिक के जस्टिस फायज की मुदाखलत पर रिमार्क्स, नजरसानी केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। MDPPL की तैनाती में कंसल्टेंट की खिदमात क्यों नहीं? क्या दामिक बुखारी पाकिस्तान पेट्रोलियम लेजेंड अहदे के अहल नहीं थे? अरशद मिर्जा का तैनाती में क्या किरदार रहा? नायब ने शाहिद खाकान अब्बासी को 26 सवाल थमा दिए। साबिक वज़ीर आज़म ने नायब रावलपिंडी में डेढ़ घंटा पूछताछ हुई, दो हफ्तों में जवाब जमा करवाने की हिदायत। तीन में न तेरह में जाली राजकुमारी NA 249 कराची के आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश कर रही हैं।